हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बच्चों, फिर से आज हम मैथ की क्लास लगाएं। बच्चों, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम मौखिक गुणा यानी ओरल मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, जब हमें वनजा यानी इकाई का नंबर जीरो दिया हो। आज मैं आपको कुछ इसी तरह के और सम बताऊंगी, जिसमें आपसे ये ओरल भी आप कर सकते हो और विद फॉर्मूला बताऊंगी कि आप ऐसे सम हो तो आप उसको किस प्रकार सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन मैं एक लिख रही हूँ, सुरभि के पास 10 10 रुपये के 62 नोट है, बताओ उसके पास कितने रुपए हैं। अब इस तरह आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें एक नोट कितने का बताया गया है हमें, 10 रुपए का। एक नोट बराबर है 10 रुपए, और अब आगे क्या करेंगे, 62 नोट 10 रुपए के कितने बनेंगे, 62 को गुणा करेंगे 10 से। अब ओरल गुणा आपको करनी सिखाई थी मैंने, जब इकाई का अंक जीरो हो तो उसमें हम जीरो काउंट कर लेते हैं। पहले इसमें तो सिर्फ एक ही जीरो थी, तो एक जीरो। अब 62 को हम एक से गुणा करेंगे, एक से अगर हम किसी भी नंबर को गुणा करते हैं तो वही का वही एवरेज नंबर वापस मिलता है हमें। तो एक को अगर हम 62 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे, 62। और सुरभि के पास कितने रुपए हुए, 620 रुपए। एक क्वेश्चन तो ये है बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करके देखते हैं एक। यदि एक ढेरी यानी एक ढेरी बनाई हुई है में 100 तरबूज है, एक ढेरी बना रखी है और उसके अंदर कितने तरबूज बताए गए हैं, 100 बताए गए हैं, तो ऐसी 125 ढेरियों में कितने तरबूज होंगे। अब देखो, अब एक ढेरी के अंदर तो हमें 100 तरबूज है, तो इस तरह की ढेरियां 125 लगाई गई है, तो हम इसको फॉर्मूले से उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे पहले सम किया था। एक ढेरी में तरबूज कितने बताए गए हमें, 100, और 125 ढेरियों में तरबूज कितने होंगे, 125 गुणा में ये 100 लगा देंगे। अब ओरल गुणा करनी सिखाई थी कि हम इसमें जब इकाई का अंक जीरो दिया हो और इसमें इकाई के साथ एक अंक और एक्स्ट्रा दिया हुआ है जीरो, तो अब जीरो हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 जीरो हमने लगा दी। अब एक की गुणा करेंगे 125 से, और एक को जब हम किसी से गुणा करते हैं तो वही का वही नंबर एस डिज हमें मिलता है, तो ये कितने आए, 12,500 तरबूज हो गया। अब नेक्स्ट सम करते हैं हम। एक टन में 1000
ग्राम, सॉरी किलो ग्राम होते हैं, यानी जो एक टन बनता है वो क्या कितने का बनता है, 1000 किलोग्राम से। अब अगर हमें कहते कि 75 टन का बताओ, पूछने को तो वो कितने भी टन का पूछ सकते हैं, पर ऐसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि ये 75 का सोल्व करते हैं। 75 टन में कितने किलोग्राम होंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है, एक टन बराबर है कितने 1000 किलोग्राम के, और 75 टन बराबर है 1000 गुणा में 75, और अब इसकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 जीरो दे रखी है, इसमें तो कोई जीरो नहीं है, तो हम पहले ये 3 जीरो लगा देंगे, फिर एक को अगर हम किसी भी नंबर से गुणा करें तो वो एज इज नंबर हमें वापस मिलता है, तो यहाँ हमने 75 लगा दिया, यानी कितने आ गए हमारे 75000 किलो ग्राम। इसके साथ ही बेटा आज की मैथ की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।